हेलो एवरीवन मेरे चैनल सिंप्लीमेट में आपका स्वागत है तो आज के इस टॉपिक में ट्यूटोरियल में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डीओएस एंड डीडीओएस अटैक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में इजी नोट्स के साथ देखेंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं और ही अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए डालती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि डी ओ अटैक क्या होता है ठीक है तो इस अटैक के बारे में मैंने बहुत भी इनफॉर्मली पुराने लेक्चर्स में बात की वो ये डी ओ एस मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस डिनायल मतलब क्या होता है किसी भी चीज को डिनाई करना है ना यहाँ पे सर्विस को डिनाई किया जा रहा है कि नहीं हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने की कंडीशन में नहीं है ठीक है अब ये जनरली मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ कि हमारा जो इंटरनेट है वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है ठीक है यहाँ हमारे पास होते हैं सर्वर और यहाँ हमारे पास एन नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री किसी भी एक सर्वर पे हमारी वेबसाइट जैसे की अमेजोन ये वेबसाइट होस्ट होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इस सर्वर पे एमेजोन वेबसाइट होती है होस्ट है ठीक है तो जितने भी यूजर्स हैं ये अमेजोन वेबसाइट को यूज़ करेंगे और इसको रिक्वेस्ट देंगे और अमेजॉन वेबसाइट इनकी रिक्वेस्ट लेके इनको रिस्पॉन्स देगी ठीक है तो ये सिंपली हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जिसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है तो डिनाइल ऑफ सर्विस कंडीशन डी ओ एस कंडीशन जब रेज होती है जब किसी कारण से जो सर्वर होता है वो इनकैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट मतलब कि वो किसी वजह से क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस कंडीशन मतलब किसी वजह से तो भी सर्वर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो डिनाइल क्या है वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है जो हम आजकल साइबर वर्ल्ड केस में देखते हैं ठीक है डिनायल ऑफ सर्विस आर मेजर थ्रेट टू सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट है स्पेशली ये अटैक ई कॉमर्स वेबसाइट फाइनेंशियल वेबसाइट या गवर्नमेंट सर्विसेज इन सब वेबसाइट्स में ज़्यादा दिन मिलता है ठीक है अब हम मैंने आपको बताया कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है बेसिकली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है ठीक है और देर आर नंबर ऑफ क्लाइंट जो सेम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं ठीक है थीके? अब ये जो सर्वर है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को और ये जो है वो एस सी टी ये क्या है ओपन प्रोटोकॉल से इनका प्रोटोकॉल का यूज कोई भी करके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है ठीक है तो जो क्लाइंट्स है वो एस या एफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे और द बा द थिंग इज कि यहाँ पे जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं अटैकर भी हो सकते हैं इवन अटैकर इन प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? ये ये मैंने बताया ठीक है उसके बाद अ मैंने डीओएस कंडीशन के बारे में बताया जब जो सर्वर है वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पोंड नहीं कर पा रहा है तो डीओएस कंडीशन आती है ठीक है और डीओएस कंडीशन के वजह से क्या होता है जो क्लाइंट सर्वर का कम्युनिकेशन हो रहा है इसके बीच में डिसरप्शन आ जाता है इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है ठीक है अब आ, बात यह है कि डी कंडीशन कब आती होगी तो एक, एक बात ये है कि जो भी नेटवर्क में इंटरनेट में हम और आप बात कर रहे हैं आप मेरा वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हैं ठीक है तो नेटवर्क जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कुछ पर्टिकुलर डेटा ही भेज सकता है अगर आप यूट्यूब यूट्यूब तो एक बहुत बड़ा सर्वर मेंटेन करके रखा है इसमें इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ एक्सेस कर लेते हैं लेकिन हर हर जो वेबसाइट लॉन्च होती है वो इतना बड़ा सर्वर मेंटेन नहीं करती है ठीक है उनकी कुछ बैंडविथ होती है बैंडविथ मतलब द अमाउंट आप समझ लो द अमाउंट ऑफ डेटा वेबसाइट एक पर्टिकुलर टाइम में सेंड कर पा रही है ठीक है तो बात यह है कि नेटवर्क जो है एक पर्टिकुलर टाइम में सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा ही भेजेगा अगर अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा हुआ है ना अगर बेंडविथ से ज्यादा हुआ तो जो रिस्पॉन्स uh, है या रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा ठीक है तो नेटवर्क ओनली सेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम एनी डेटा एक्सीड द नेटवर्क नेटवर्किफिट नॉट रीच द डेस्टिनेशन तब इस चीज़ का इसी बात का यूज़ करके जो डी अटैक्स होते हैं ठीक है अब आ, दो त, दो तरीके बताऊंगी मैं दो कंडीशंस होती हैं आपन बोल सकते हैं दो टेक्निक्स होती है जिसका यूज़ करके जो अटैकर्स होते हैं वो डी कंडीशन सर्वर में फोर्सफुली अटैक रेस रेस कर देते हैं ठीक है अब ये अटैकर क्या करते हैं कि इत, आ, मतलब सर्वर को एक तरीके से वो करप्ट uh, करना चाहते हैं सर्वर उसका काम नहीं कर पाए ठीक है उस पर अटैक करके उसको एक तरीके से डिसफंक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए वो दो तरीक़ों से डी ओ एस कंडीशन रेज कर सकते हैं सर्वर साइड पे पहली है फ्लडिंग फ्लडिंग बहुत इजी है ये डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको समझाया आप भी इसको ऐसा कि ऐसा डायग्राम बना सकते हैं ये अपना टारगेट ये आप भूल जाओ ठीक है ये अपना है टारगेट सर्वर ठीक है अब इस टारगेट सर्वर पे आप मान लो कि एक वेबसाइट है अब ये जो अटैकर है ये क्या है अवेलेबल बैंडविथ कि एक एक टाइम पे इतना ही डेटा ये टारगेट सर्वर रिसीव कर पाएगा या सेंड कर पाएगा तो अटैकर क्या करेगा ना अभी ये यूजर्स ही आप भूल जाओ तो अटैकर क्या करेगा जितना भी ट्रैफिक है जितनी भी बैंडविथ है वो अटैकर खुद यूज़ कर देगा ये बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट टारगेट सर्वर को फायर uh, करेगा ठीक है और ये जितनी भी अवेलेबल बैंड हुए थे वो पूरी की पूरी अटैकर नहीं यूज़ कर ली इससे क्या हुआ जो लेजिस लेजीमेट यूजर है आपके मेरे जैसे जो एक्चुअली को ये सर्वर की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं उनकी रिक्वेस्ट ये सर्वर बेचारा एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा ठीक है तो इससे क्या हुआ ये सर्वर पे होस्ट वेबसाइट फॉर एग्जांपल एमेज़ॉन वेबसाइट होस्ट है तो उनको नुकसान हो गया कि रियल यूज़र तो उनकी साइट को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे ठीक है थीके? तो so, फ्लडिंग में क्या होता है इन दिस टेक्निक अटैकर कंटीन्यूअसली फ्लड अनवांटेड रिक्वेस्ट्स ऑफिक टू द टारगेट सर्वर एंड कंज्यूम ऑल द अवेलेबल बैंडविड्थ यही बताया मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया उसके बाद इस 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 सिचुएशन से क्या होता है कि जो लेजिमेट यूजर्स हैं उनके रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाती है ठीक है तो यही होता है फ्लडिंग अब इसमें क्या करता है अटैकर है ना बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल प्रोटोकॉल जैसे यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे ना अब मैं इस लेक्चर के बाद कंप्यूटर नेटवर्क नाम का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी आप पढ़ेंगे तो इन प्रोटोकॉल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ मैं तो आप बस अभी अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो यू डी पी आई सी एम पी टी सी पी ये सारे क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल रहते हैं जो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है तो अटैकर यू डी पी प्रोटोकॉल का आई सी एम पी या टी सी पी प्रोटोकॉल का यूज़ करके टारगेट मशीन पे बहुत सारी रिक्वेस्ट को फ्लड करता है, है ठीक ये सब के प्रोटोकॉल के मतलब ये प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म में भी ये ब्रैकेट में लिखे हुए ठीक है अब एक अटैक है जो फ्लडिंग में बहुत कॉमनली अटैकर यूज करता है उसको बोलते हैं हम एस वाई एन फ्लड टेक्निक इसमें क्या होता है कि अटैकर ये टी प्रोटोकॉल यूज़ करेगा सबसे पहले तो ठीक है फ्लडिंग करने के लिए अब ये अटैकर क्या करता है बहुत सारे टी पैकेट्स या टी सी पी एस वाई इन पैकेट इसको टारगेट मशीन को फायर करने लग जाता है ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का बात का बताती हूँ कि मान लो ये क्लाइंट सर्वर है, है ना अब इसमें क्या होगा कि क्लाइंट और सर्वर आया और क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करने लग गया ऐसा नहीं होता है क्या होता है कि क्लाइंट सबसे पहले तो बोलता है यहाँ पे क्लाइंट बैठा है यहाँ पे सर्वर है क्लाइंट सबसे पहले सर्वर के साथ एक तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये क्लाइंट को कनेक्शन के रिक्वेस्ट करेगा अरे चलो अपन कम्युनिकेट करें क्या मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ मैं तो है ना वॉन्ट टू कम्युनिकेट आई वॉन्ट टू इस्टैब्लिश कनेक्शन वॉन्ट टू स्टैब्लिश कनेक्शन क्लाइंट बोलेगा ठीक है फिर सर्वर बोलेगा हाँ ठीक है आई एम रेडी सेंड मी द डेटा ठीक है सेंड मी द डेटा आई एम रेडी फिर क्या बोलता है क्लाइंट ओके आई एम सेंडिंग यू द डेटा बी प्रिपेयर्ड मैं आपको डेटा सेंड कर रहा प्रिपेयर हो जाओ और फिर इनके बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पांस होना चालू हो जाती है तो सबसे पहले ये क्या होता है कनेक्शन का सेटअप होता है क्लाइंट जो है कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेगा अः uh, सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्लाइंट को एक्नोलेज करेगा और फिर क्लाइंट भी एक्नोलेज करेगा हाँ अब मैं आपका आपको डेटा सेंड करने के लिए रेडी हूँ ठीक है तो एस वाई एन फ्लड टेक्निक में क्या होता है एस वाई एन फ्लड टेक्निक में क्या होता है कि क्लाइंट ने क्या करा एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एस वाई एन पैकेट भेजेगी हाँ मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है ठीक है सर्वर ने भी कनेक्शन को एक्सेप्ट करके उसको एक्नोलेजमेंट भेज दिया पर अब चतरा क्लाइंट क्या करेगा अब ये अटैकर जो है वो वापस से एक्नोलेजमेंट भेजेगा ही नहीं और ये जो सर्वर है वो आ, वो अपने पोर्ट पे ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहेगा वो वेट ही करता रह जाएगा कि क्लाइंट मुझे आ, मतलब ये पैकेट्स भेजे रिक्वेस्ट भेजे पर क्लाइंट तो कभी रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं एस वाई एंड फ्लड टेक्निक अब चूंकि सर्वर यहाँ पे इस क्लाइंट का वेट कर रहा है तो अगर दूसरे क्लाइंट्स आते हैं ना पिक्चर में रिक्वेस्ट जानने तो सर्वर बोलता है सर्वर अगर पूरा बिजी रहता है तो वो उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता बोलता है कि मेरी बैंडविड्थ तो भैया इतनी ही है तो इसमें क्या होता है वन ऑफ द फेमस टेक्निक अटैकर जो यूज करते हैं वो है एस फ्लड इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया तो इसमें क्या होता है कि अटैकर लार्ज नंबर ऑफ टीपी टी सी पी एसवाई पैकेट टारगेट मशीन को भेजता है और टी सी पी हैंड्रिक इनिशिएट कर देता है ठीक है अब इसमें अटैकर जो है वो कलेक्शन के रिक्वेस्ट तो सेंड कर देता है लेकिन बाद में कभी भी सर्वर को एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता है और जो सर्वर है वो वेट करता रह जाता है एक्नॉलेजमेंट का और क्लाइंट उसको कभी भी सेंड नहीं करता है और सर्वर जो है सर्वर का सेशन ओपन रह जाता है और जो सर्वर है दूसरे यूजर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ठीक है ये सिंपल थी फ्लडिंग आप नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद है रिसोर्स स्टारवेशन स्टारवेशन मतलब क्या होता है रिसोर्स की कमी होना इस टेक्निक से भी डीओ सेकेंड टेक्निक है रिसोर्स स्टारवेशन रिसोर्सेज की कमी होना ठीक है अब रिसोर्स स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स है जैसे कि सीपीयू मेमोरी इन सब का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाना ताकि वो जो यू दूसरे यूजर्स के लिए वो अवेलेबल ही ना रहे उसको अपन क्या बोलते हैं रिसोर्स स्टारवेशन मतलब ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ ठीक है अब ये जनरली स्टोर स्टारवेशन होता कब है जब सिस्टम रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी इन सब का ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है ठीक है और इससे सिस्टम फेल हो जाता है एक और कंडीशन आती है इस रिसोर्स स्टारवेशन की कि मान लो कि कुछ नेटवर्क डिसाइज डिवाइस जैसे फायरवॉल, राउटर स्विच ये सब फेल हो गए ये सब काम करने बंद कर दिए है ना इसकी वजह से भी क्या हुआ कि ये ये चूंकि फेल हो गए हैं अब सर्वर भले ही अच्छा खासा है उसके पास रिसोर्सेस है भी सही लेकिन ये तो ये डिवाइस तो रिसोर्स मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं उससे भी डिनाइल ऑफ सर्विस कंडीशन आ सकती है उसके बाद समाइम्स सर्वर खुद ही डी ओ एस कंडीशन में पहुँच जाता है ठीक है उसके पास इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है ऐसे में कि वो हंड्रेड परसेंट उसका सी पी यू यूज हो जाता है ठीक है और सर्वर जो है वो दूसरे रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है ठीक है अब ये तो हो गया इस, रिसोर्स इस्टारवेशन अब एक और टेक्निक है स्लो लरिंग ठीक है जिसका अटैकर यूज करते हैं डी कंडीशन को अरेज करने के लिए अब इसमें क्या होता है कि अटैकर क्या करेगा एस पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को ठीक है एस पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को अब जनरली क्या होता है कि अगर आ, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो उसको कुछ एच टी टी पी हेडर्स से सेंड करने पड़ते हैं ठीक है जैसे ही सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव करी तो सर्वर जब तक उसको रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा जब तक वो सारे एस हेडर्स को आ, रिसीव नहीं कर ले अब यहाँ पे अटैक कर क्या करता है कि एस हेडर्स भेजता है वो इनकम्प्लीट भेजता है मान लो दस एस हेडर्स सर्वर को चाहिए लेकिन इसने पाँच ही भेजे ठीक है अब ये सर्वर तो वेट करता रहेगा कि मेरे को पाँच एस टी टी पे हैडर्स ओर जाएंगे हो सकते हैं नेटवर्क में कहीं फंस गए हों आ नहीं पा रहे हों ठीक है अब ये अटैकर क्या करेगा कि बाकी के जो पाँच है वो कभी भेजेगा ही नहीं इससे क्या होगा कि सर्वर वेट ही करता रह जाएगा और उसको पाँच हैडर्स मिलेंगे ही नहीं और अ, सर्वर को वेट कराने के लिए अटैकर क्या करेगा फेक हैडर्स भेजता रहेगा है सर्वर को ताकि सर्वर रुका रहे इसका इंतज़ार करता रहे ठीक है इस उम्मीद में कि नहीं मुझे पूरे हेडर्स मिल जाएंगे तो इसी को अपन बोलते हैं स्लो लरीज टेक्निक इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है वो एचटीटीपी पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है पार्शियल हेडर के साथ ठीक है और जनरली इसमें वेब सर्वर जैसे अपाचे वेब सर्वर इनका यूज किया जाता है तो सर्वर क्या करेगा अटैकर वेट करता रहेगा अटैकर का कि वो बाकी के हेडर्स भी भेजे बट द अटैकर विल नेवर सेंड द कंप्लीट हेडर वो सिर्फ फेक हेडर सेंड करेगा सर्वर को ताकि वो वेट करता रहे इसलिए सर्वर जो है वेट करता ही रह जाएगा ठीक है अब आज के ट्यूटोरियल के इतना ही अब हम अपने कल के ट्यूटोरियल मिलते हैं वो छोटा सा ट्यूटोरियल अब हम पढ़ेंगे डी डी ओ एस अटैक के बारे में तो डीडीओएस अटैक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक अब ये जो डीडीओएस अटैक है वो सब क्लास है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की ठीक है दोनों एग्जैक्टली exactly सेम ही पर्पज के लिए होते हैं बट डीडीओएस अटैक और डी ओ एस अटैक में एक माइनर सा डिफरेंस है जो हम अभी पढ़ेंगे तो डी ओ एस अटैक को हम हमने पढ़ा था कि जो अटैकर है अपनी मशीन का यूज करके डी ओ एस अटैक करता है टारगेट सर्वर पर ठीक है अब डी ओ एस अटैक की खास बात यह कि अटैकर के पास एक कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर का यूज करके वो टारगेट सर्वर पे अटैक करेगा ए सिंपल इज दैट अटैकर एक सिंगल कंप्यूटर का यूज करेगा पर डीडीओएस अटैक में हम डायग्राम से समझते हैं अच्छे से कि डीडीओएस अटैक में क्या होता है कि एक नहीं एक से ज्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं ठीक है थीके? अब ये सारे कंप्यूटर जो डीडीओएस अटैक करते हैं इनको बोलते हैं बॉटनेट भी बोलते हैं अब ये जो कंप्यूटर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में होते हैं और ये सारे कंप्यूटर मिलके टारगेट सर्वर पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करते हैं तो डी में एक से ज़्यादा कंप्यूटर इन्वॉल्व होंगे और बेसिक जनरली क्या होता है जो अटैकर होता है ये मल्टीपल कंप्यूटर को हैक कर लेता है ठीक है और उनको यहाँ से कंट्रोल करने लगता है और ये कंट्रोल करने के बाद इन सारे बॉटनेट से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कराता है टारगेटेड सर्वर को तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अटैक करना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटिंग पावर्स इन्वॉल्व है तो अटैक इजीली हो जाता है ठीक है तो यही मैंने नोट्स में भी लिखा है अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन्वॉल्व मल्टीपल कनेक्टेड ऑनलाइन डिवाइस कंप्यूटर कलेक्टिवली नोन एज बॉटनेट इसमें क्या होता है कि बॉटनेट्स का यूज़ होता है बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स का विच यूज़ टू फ्लड द टारगेट साइड विथ फेक विथ फेक ट्राफिक आएगा यहाँ पे ठीक है जो टारगेट uh, साइड में फेक ट्राफिक फ्लड करती है और डी अटैक कराती है और डी अटैक का मेन पर्पस क्या होता है डी 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 अटैक का मेन पर्पस डी अटैक जैसा ही किसी भी वेबसाइट या सर्वर को टा लेजीमेट यूज़र के लिए अनअवेलेबल करवाना ही होता है ठीक है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय